एक मेरा सवाल था कि मेरा एक दोस्त है, उनके खाली मकान था तो उन्होंने वो किसी गैर मुस्लिम को किराए पे दे दिया। तो वो लोग उधर उस घर में अपने माबूदों की पूजा करते हैं और अपने माबूदों की इबादत करते हैं, तो इसका गुना उन्हें होगा? हाँ, मैं थोड़ा मुकम्मल सुन नहीं सका। सवाल ये है शेख कि एक भाई ने एक घर रेंट पर दिया है, किराए पर दिया है, और वहां पर लोगों ने, मतलब घर में रहने वालों ने बुत रखा है और वो उसकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं नहीं, क्या जिसने रेंट पर दिया है उनको गुनाह अगर होगा? हाँ, कोई 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 जमीन, कोई घर आपसे कोई लेता है किराए पर और वहां पर शिर्क करता है, तो आपके लिए जायज नहीं उसको देना। घर रहने के लिए है, आप रहने के लिए किराए पर दीजिए, आप उसको बुतखाना बनाने के लिए नहीं नहीं दे सकते। आप रहने के लिए किराए पर दीजिए, दुकान के लिए दीजिए, रहने के मकान के लिए दीजिए, लेकिन नहीं, उसको असल जो में जैसे है, मकान के लिए भी देते हैं शेख, तो जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो लोग अपनी इबादत करते हैं, तो किसी देखिए को भी अपनी, अगर सिर्फ देखिए शेख, सिर्फ इबादत करना इसमें मसला नहीं है। एक होता है बाकायदा उसको मंदिर बना दिया, बुतखाना बना दिया, तो उसमें इश्काल जैसे है। बाकी वो अपने एक अकाय बुतखाना नहीं अपने बनाया, अकेले। हाँ, जैसे हम नॉर्मल इबादत करते हैं वैसे जैसे हम अल्लाह का पोस्ट लगा कहीं से। वो इबादत करते हैं नॉर्मल, जो पूजा, जी जैसे जी आज जी वो बात 22 दिसंबर को उसकी नींव रखी गई, तो उन्होंने पोस्ट लगा रखी थी उस ताल्लुक से कुछ, तो स्टेटस पे देखा मैंने, वो तब पूछा। वल्लाह थोड़ा हैराज वाला सवाल है। बहरहाल आदमी जितना बच सके, किसी भी तरह से करीब या बाहर से मुशारकत ना हो इंसान की, तो बेहतर है। बाकी जो है, घर तो असल रहने के लिए होता है, अलबत्त और अपने अपने जी, अकायद शेख वगैरह पर ऐसे वो सवाल अमल नहीं करेंगे, आ उसमें सकता कोई है है। क्योंकि उमूमन तो उमूमी तौर पर तो वो रहने के लिए ही घर दिया हुआ है, लेकिन जी अब वो एक अपना रिलीजियस वो अपने घर हाँ में करते हैं हाँ अभी। तो असल असल जी का ही एतबार होगा, असल तो रहने के लिए उन्होंने जी लिया हुआ है, बाकी अपनी जी इबादत वो अपने तरीके से करेंगे, उसमें इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं। जजाकल्लाह, शेख, कोई एक मैंने प्रश्न नहीं है। आपको वेनेसडे को सवाल पूछा था वो, कि अगर किसी कोई औरत पहले बता दे कि उसके बच्चा ना हो तो उससे निकाह कर सकते हैं, तो आपने कहा था कर सकते हैं। शेख, मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, तो उन्होंने यही मसला रखा, तो अल्लाह के रसूल ने 3 बार मना किया उन सहाबी को। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु हदीस अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम ने हराम करार नहीं दिया। तो अगर आप भी मुझसे मशवरा करेंगे तो जी मैं कहूंगा भाई कोई ऐसी लड़की तलाश कीजिए जिससे आपके बच्चे हों, लेकिन उस जी औरत से शादी करना ये हराम नहीं करार दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जी शेख, अलैहि अगर वसल्लम ने। हमारे कहते हैं पास ना, एक होती है तो हिल्लत और एक होती है हुरमत और एक होती है मशवरा। जी वो तो मशवरा था अल्लाह के नबी का, अलबत्ता जैसे जी शेख ने बताया कि वो हलाल है, हराम उसको नहीं कह सकते, तो उसी एतबार से शेख ने शेख, आपका अगर जवाब हमारे दिया। पास चॉइस हो, चॉइस अगर एक वो जिसके बच्चे ना और एक हो जो जिसके बच्चे हो, तो हम चूज कर सकते हैं ना? अगर उससे जो जिसके बच्चे ना उसको चूज करे तो हम पे गुना थोड़ी है कोई? कोई कोई गुनाह नहीं, बल्कि आप दोनों से कीजिए ताकि बच्चे भी हो जाएं और वो जो औरत जिसको बच्चे नहीं होने वाले हैं उसको भी सहारा मिल जाए। सहारा मिल जाए। बिल्कुल आप शेख, जजाकल्लाह। ये दोनों तो दोनों से आपने हमारे कीजिए। सपोर्ट वाली बात ये भी है, हाँ, ये बात आप क्यों नहीं करते कि भाई दोनों से कर लो, क्या दिक्कत है? दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, शेख, जजाकल्लाह खैर। जजाकल्लाह जजाकल्लाह, खैर, आप सेटिस्फाइड हो बहुत सकते बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। आह, इसके बाद मैं यूनुस इब्न रहमत को ऐड करूंगा और फिर इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा अबू हमजा को।